हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त क्रिजीटा। ग्रनोला इतना ज्यादा ताकतवर है कि बीरस ने ही फ्रीजा को ऑर्डर दिया था कि सैयंस द्वारा उन्हें मरवा दिया जाए। वो कैसे? ग्रनोला की पूरी रेस को क्यों मरवाया गया, जिसके पीछे बीरस का हाथ भी हो सकता है? क्योंकि जिस तरह ग्रनोला ने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हराया अपनी स्पेशल टेक्निक और फॉर्म्स का इस्तेमाल करके, और ग्रनोला गोकू को और ताकतवर बनने में मदद करेगा। ग्रनोला बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा आगे गोकू को, जिससे कि गोकू आगे जाकर और ज्यादा ताकतवर हो पाएगा। तो इन टेक्निक्स और फॉर्म्स के बारे में जानने के बाद आप लोग समझ जाओगे कि क्यों बीरस ने फ्रीजा को ऑर्डर दिया होगा कि सभी सीरिलियंस को खत्म कर दिया जाए। और ग्रनोला ने हमें ये दिखाया है कि एक सीरिलियन कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, और क्या सीरिलियंस सैयन से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इस बारे में भी लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और भाई, पिछली वीडियो पे क्या सपोर्ट दिखाई है, 1K लाइक्स पार, वो भी 2 दिन में, कमाल कर दिया भाई। तो इस बार फिर से 1K लाइक का एम रखते हैं, वही 3-4 दिन के अंदर अंदर, मतलब न्यू वीडियो आने से पहले। तो शुरुआत करते हैं ग्रनोला की बेस फॉर्म से, क्योंकि इसकी बेस फॉर्म भी बड़ी कमाल की है। अपनी इस बेस फॉर्म में ग्रनोला एक सुपर सैयन को आराम से टक्कर दे सकता है, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी वो फ्रीजा से बदला लेने के लिए ही ट्रेनिंग कर रहा था, और उस टाइम पर फ्रीजा एक सुपर सैयन से कमजोर फाइटर था। लेकिन उसने अपने असली पोटेंशियल को तब अनलॉक किया जब उसने टोरोनबो, जो कि एक शेनरॉन के जैसा ड्रैगन है, उससे विश वो मांगता है। जैसे सैयंस के सुपर सैयन 3 में उसका पावर लेवल, स्पीड, डिफेंस और अटैक बढ़ जाते हैं, ठीक उसी तरह। लेकिन मांगा के हिसाब से ग्रनोला जब अपनी सुपर सीरिलियन 3 फॉर्म, जिसमें उसका छुपा पोटेंशियल अनलॉक हो जाता है, उसमें वो गॉड्स के लेवल पे चला जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि टोरोनबो से विश मांगने के बाद ही ग्रनोला की जो बेस फॉर्म होती है वो यूनिवर्स फॉर्म के सबसे ताकतवर मॉर्टल फाइटर, याद रखना इमॉर्टल नहीं, मॉर्टल फाइटर, वरना इमॉर्टल में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाएंगे, जो कि तुम्हें पता है। तो मॉर्टल फाइटर से ज्यादा हो जाती है, यानी कि गोकू की बेस से ज्यादा ताकतवर, या गोकू या ब्रॉली भी हो सकता है, उन दोनों में से किसकी बेस ताकतवर है इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो गोकू की बेस से ज्यादा ताकतवर हो जाती है ग्रनोला की बेस फॉर्म। लेकिन स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस कम होने की वजह से ग्रनोला कुछ खास नहीं कर पाता, और जल्द ही वो अपनी सुपर सीरिलियन 3 फॉर्म से वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे अपने पोटेंशियल को कैसे यूज करना है वो पता लग जाता है, जिसके बाद वो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को आसानी से धूल चटा देता है। और इस फॉर्म का नाम है ग्रनोला फुल पावर। ये दिखने में तो उसकी बेस फॉर्म जैसी लगती है, लेकिन इस टाइम इसकी दोनों आंखें लाल हो चुकी हैं। तो देखो, सैयंस की तरह हर किसी फॉर्म के अच्छे अच्छे नाम तो है नहीं, लेकिन एक फुल पावर सीरिलियन ही वो है जिसके अंदर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से लड़ने की ताकत है, अल्ट्रा ईगो की तरह। लेकिन ग्रनोला की टेक्निक इतनी एडवांस है कि उन सारे अटैक्स को रीड कर सकती है जो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूजर उसके आगे कर रहा है, एक तरीके से जैसे नारुतो में शारिंगन है कुछ वैसे ही। और जिन लोगों ने नारुतो नहीं देखा है तो उनको नॉर्मली बताऊं तो बहुत ज्यादा पैनी नजरें, क्योंकि एक फुल पावर सीरिलियन जिसकी दोनों आंखें अब उसकी स्पेशल टेक्निक है, जो है इवॉल्व्ड आई, यानी कि विकसित आंखें, जो एक रेगुलर आंख से बहुत ज्यादा देख सकती है। तो एक ऐसा फाइटर जो कि हम लोगों इतनी स्पीड से रीड कर सकता है जितनी ही स्पीड से वो हो रहे हैं। तो मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का तोड़ सिर्फ और सिर्फ सीरिलियंस ही है, अगर वो भी एक गॉड लेवल की ट्रेनिंग कर ले, जो ग्रनोला को करने की जरूरत नहीं पड़े क्योंकि उसने विश मांग ली थी। तो एक चीज बताओ कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कौन यूज करता है? गॉड्स और एंजल्स और एक गोकू। तो अब सोचो, एक सीरिलियन अगर कभी एक गॉड को उसकी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में हरा दे तो क्या ही हो जाएगा। तो इस डर से सीरिलियंस को मरवा दिया गया, जिससे कि वो लोग कभी इतने ताकतवर हो ही ना पाए। लेकिन बारडॉक का शुक्रिया कि उसने एक बच्चे को बचा लिया। मुझे नहीं पता कि उसने उसे क्यों बचाया, क्योंकि वो सीरिलियन भी बड़ी स्मार्ट थी। तो अब उस लेवल तक ग्रनोला जाएगा और गोकू को और ताकतवर होने में हेल्प करेगा, जिससे कि गोकू हर बार की तरह एक टॉप लेवल का फाइटर रहेगा। और ड्रैगन बॉल का मतलब गोकू और गोकू फैंस, बाकी जो है सब नीचे। अब जान लेते हैं कि सीरिलियंस ताकतवर हैं सैयंस से या नहीं। तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए, और बताइए कि आप लोगों को सैयंस वर्सेस सीरिलियंस की एक वीडियो चाहिए। और 1K लाइक्स का एम मत भूलना, जैसे ही 1K लाइक्स का एम कंप्लीट होगा आप लोगों को ये बहुत ही कमाल की वीडियो मिलेगी, और इसमें ऐसे बहुत सारे राज हम शेयर करेंगे कि जैसे सीरिलियंस को क्यों मरवाया गया था और बहुत सारी चीजें। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और आजकल पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है ये भी बताओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहामेहा।